छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नगर पालिका निगम क्षेत्र के मकान मालिकों से संपत्ति कर और नलकर कई सालों से निगम से वसूल नहीं कर पा रही है, जिसके कारण निगम घाटे में चल रही है। बता दें कि नगर निगम ने प्राइवेट कंपनियों को निगम कर और नलकर वसूलने का ठेका भी दिया, लेकिन अभी तक कर वसूली नहीं हो पा रही है। वहीं कर वसूली नहीं होने के कारण प्लेसमेंट कर्मचारियों और निगम के कर्मचारियों को वेतन महीनों तक नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम ने प्रतिपक्ष के नेता किशन यदू ने आरोप लगाया है कि निगम में पर्याप्त कर्मचारी होने के बाद भी महापौर हेमा देशमुख कर्मचारियों से काम नहीं ले पा रही है, जिसके कारण नगर निगम की टैक्स वसूली फेल हो गई है और निगम लगातार घाटे में जा रहा है। टैक्स वसूली पिछले साल की तुलना में काफ़ी संतोषजनक है और अब हम लोग हमें ऐसा महसूस हुआ कि नए तकनीकों के माध्यम से नई विधियों का प्रयोग करके हम टैक्स वसूली करें। उसके लिए हमने प्राइवेटाइजेशन भी किया है टैक्स वसूली का, जिसमें 90% तक टैक्स वसूली करने पर कंपनी को, जो कंपनी टैक्स वसूली करेगी, उसे 6% का कमीशन दिया जाएगा। राजनांदगांव नगर निगम में कर्मचारियों के तनख्वाह को लेकर के जो है बहुत असुविधा होती है। जब से हेमा देशमुख जी महापौर बनी है, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने में 3-3 महीना 4-4 महीने का समय लग जाता है और प्लेसमेंट वालों का तो कोई गिनती नहीं रहता, बेचारे उनको कब तनख्वाह मिलेगी। उसके सबसे मुख्य वजह है राजस्व वसूली नहीं होना। हमारे पास भारी भरकम स्टाफ है, स्टाफ की कमी ऐसा नहीं है, राजस्व से लेकर हर विभाग में पर्याप्त संख्या में जो है कर्मचारी है, लेकिन